पूर्णिया के बायसी प्रखंड मुख्यालय के प्लस टू उच्च विद्यालय बायसी के प्रांगण में मुंबई महाराष्ट्र से आए शिक्षा विशेषक मुबारक कापरी ने पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके अभिभावक का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की पढ़ाई में उनका माँ बाप का अहम रोल होता है। बच्चे का पहला स्कूल उनका घर और पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं। शिक्षक बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चे घर पर पढ़ते हैं, और यदि इस बीच जिस बच्चे के अभिभावक जागरूक होंगे उन्हीं का बच्चा कामयाब होगा। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनके अभिभावक का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज सीमांचल का शिक्षा दर बहुत नीचे है। यहाँ पर अभिभावक का ध्यान अपने बच्चे को पढ़ाने पर नहीं है, जिस कारण सीमांचल के बच्चे बहुत पिछड़े हैं। दूसरी बात, यहाँ के लोगों का बहाना है कि कोई भी नौकरी में जाने के लिए अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया जाता है, मगर यह बिल्कुल गलत है। यदि आप पढ़ाई के लिए प्रति सजग हैं तो कामयाबी आपको अवश्य ही मिलेगी। उन्होंने बच्चों के अभिभावक से कहा कि आप खुद भूखे रहें मगर बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। वही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व अमोर विधायक अख्तरुल इमाम ने भी कहा कि सीमांचल के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी यह लड़ाई सरकार से भी जारी रहेगी। अभी अमोर में उनकी कोशिश है कि हाई स्कूल में हॉस्टल खोला जाए ताकि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सके। सरकार की ओर से भी सीमांचल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस कारण सीमांचल के बच्चे काफ़ी पिछड़े हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगाव नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। पूर्वांचल के लिए, सीमांचल के लिए पूर्णिया और किशनगंज के इलाकों में तालीमी बेदारी कारवां, यहाँ पर जो तालीम के ताल्लुक से बेदारी जागरूकता पैदा करने के लिए निकला हुआ है, जिसके मौरिक जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, और ये चलेगा जहाँ पर उनसे बच्चों से, वालिदैन से और टीचर्स से हम गुफ्तगू करेंगे और उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे और उनके ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ रास्ता बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कोविड के बाद जो सिलसिला बड़ा टूटता नजर आ रहा था तालीम के बारे में, तो उसको जोड़ने, उस कड़ी को जोड़ने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। सर, आपने दौरा किया सीमांचल का, ये सीमांचल तालीमी इनकलाबी जो दौरा है, कारवां है और मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हो रहे हैं, वो दोनों मकसद है। बेदारी तो बहुत हमारे समाज में आ गई है, हर गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है कि एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वहाँ जाता है तो बसता है, दोपहर का खाना है, पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं तो किसी के पास फीस नहीं है, तो मसाइल कई हैं। मसाइल सिर्फ तालीमी बेदारी का नहीं है, बल्कि मसला इस वक्त है मेयारी तालीम का, एक्सलेंसी का, कि हमारे बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें। अभी देखा यह जा रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा है, सैलाब है, खेत फसलों की कीमत कम है, रोजगार के मौके नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो वजह है पिछड़ेपन की वो ये है कि यहाँ अच्छे तालीमी इदारे सरकार ने अब तक नहीं खोले, और यहाँ की जो आबादी है, हमने दूल्हा सजाने का, शादी बड़ी से बड़ी कराने का प्रोग्राम तो है, लेकिन अपने बच्चों को आला और मेयारी तालीम दिलाने की हमारी सोच नहीं है। तो अवामी सोच भी तब्दील हो और सरकार हमारे बच्चों से को पढ़ाए भी, जो हमको तालीम के नाम पर टैक्स लेती है, उन दोनों जहत पे काम करना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे अच्छे अंदाज में पढ़ें, मोबाइल के फितनों से कैसे बचें, मोबाइल को पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल करें, टीचरों के क्या मसाइल हैं, वालदेन की क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है, इन्हीं तमाम तर मौजूदात पर बात करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जो स्कॉलर हैं, एजुकेशन के मैदान में बड़ा काम है, 5000 से ज़्यादा उसने खुतबे दिए हैं बच्चों के, टीचरों के, सोसाइटी के लिए उसने कई कई किताबें लिखी हैं और बड़ा मसरूफ रहते हैं वो इल्मी तहरीक में। मुबारक कापरी साहब यहाँ आए हैं जी। आपके अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।